हेलो स्टूडेंट, कल आपको ये सेकंड लेसन मैंने आप फेलो ट्रैवलर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था हिंदी एक्सप्लेनेशन, और आज उसी का अगला लेसन मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, उस रात मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके पहले आपने पढ़ा था कि लेखक ये बता रहा था कि जब आप अकेले डिब्बे में यात्रा कर रहे हों तो कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, चाहे आप सर के बल खड़े होइए, चाहे डांस करिए, चाहे गाइए। उसके आगे लेखक कहता है कि मैंने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, वे मुझे मन में आई ही नहीं, अर्थात मुझे करने की सूझी ही नहीं। वाट आई डिड वाज मच मोर ऑर्डनरी, जो मैंने किया वो बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, तो मैंने अपना पेपर अलग रखा। Stretched my arms and my legs, अपने हाथ और पैर फैलाए यानी अंगड़ाई ली। Stood up, खड़ा हुआ। And looked out of the window, और खिड़की के बाहर झांका। On the calm summer night, शांत गर्मी की रात में, through which जिसमें आई वाज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था, यानी उस गर्मी की रात जहाँ जब मैं यात्रा कर रहा था, मैंने खिड़की के बाहर झांका। Nothing the pale remnants of day, noting the pale remnants of day, और देखा यानी देखा कि पीले निशान ऑफ डे माने दिन के, द स्टिल लिंगर्ड अभी भी थे, रुके हुए थे, यानी देखा कि अभी भी दिन के कुछ पीले निशान स्मृतियाँ अभी भी थीं। इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तर की दिशा में, आकाश में उत्तर की दिशा में अभी भी पीले पीले कुछ निशान दिन के थे, यानी इसका मतलब था कि अभी पूरी तरीके से रात नहीं हुई थी। क्रॉस द कैरिज एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, डिब्बे के दूसरे तरफ गया और फिर दूसरी खिड़की से झांका। लिट अ सिगरेट, सिगरेट जलाई। सेट डाउन, फिर बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन, यही वह समय था, दैट आई बिकेम अवेयर, कि मुझे पता चला ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के बारे में, यानी यही वह समय था जब मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। ही केम, वह आया, एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज बिंगी, कौन था ये, इशारा कर रहा है कभी कि वह ऐसा था जिसके बिंगी माने पंख वाला, निप्पी डंक वाला, इंटरप्रेट इंसेक्ट, बड़ा बेहुदा कीड़ा, इंसेक्ट कीट, दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं बैगुली साधारणतया मॉस्किटोज, मच्छर, यानी वह मच्छर था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, लेखक कहता है मैंने उसे जो नाक बैठ गया था उसे उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और फिर वह डब्बे का चक्कर लगाने चला गया। इन्वेस्टिगेटेड, उसको जैसे कि चेक कर रहा हो। इट्स थ्री डायमेंशंस, तीनों भुजाएं, जैसे तीनों भुजाओं को चेक कर रहा हो। डायमेंशंस माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। विस्टेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, और लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और फिर उसने ये निश्चय किया, देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कुछ भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि ये कोने में बैठा हुआ विशाल जानवर, यानी मच्छर को ऐसा लगा कि इस विशाल जानवर, था लेखक अपने लिए कहता है विशाल जानवर यानी मैं, मुझसे अच्छा ज़्यादा कोई उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। केम एंड हैड ए लुक एट माई नोज नेक, और फिर आया और अब उसने मेरी गर्दन की ओर देखा, अर्थात गर्दन पर बैठना चाहा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको एक बार फिर उड़ा दिया।
ही स्किप्ड अवे, और वह उछल करके भाग गया। स्किप्ड माने कुदकना। टुक एनदर जॉइंट राउंड, फिर से जाकर एक छोटा सा चक्कर लगाया उसने। जॉइंट जॉइंट नहीं है, जॉइंट जॉइंट माने छोटा, छोटी यात्रा। फिर उसने छोटा चक्कर लगाया था कंपार्टमेंट में डिब्बे का। रिटर्नड एंड सीटेड हिमसेल्फ, वह फिर वापस आया और फिर बैठ गया। इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, बड़ी बेहूदगी से मेरे हाथ के पीछे भाग में, यानी पीछे भाग में यहाँ पर बेहूदगी से बैठ गया। इट इज इनफ आई सेड, मैंने कहा अब बहुत हो गया। मैग्नैनिमिटी हैज इट्स लिमिट, अरे सहनशीलता अर्थात उदारता की भी एक सीमा होती है, कब तक तुम्हें क्षमा किया जाए। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुमको दो बार चेतावनी दी गई है। एक बार मैंने तुम्हें नाक से उड़ाया और दोबारा हाथ से उड़ाया, दोबारा तुमने गर्दन की ओर ताका, अब दोबारा तुम हाथ पर आके बैठ गए। अब सहन नहीं हो सकता। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दो बार तुमसे बताया गया कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट, और कि मेरा एक शाही व्यक्तित्व रिसेंट से क्रोधित हो जाता है। द टिकलिंग माने गुदगुदाने, इम्पेशियंस ऑफ स्ट्रेंजर, किसी अपरिचित व्यक्ति की इस बेहूदगी गुदगुदाने से मेरा सम्मान क्रोधित हो जाता है। लेखक कहता है कि अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आकर के मुझे गुदगुदाने लगे तो मेरा ये सम्मान ख़त्म होता है, अर्थात मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, इसलिए मैं अब काली टोपी पहनता हूँ। काली टोपी पहनने का मतलब है कि मैं अब तुमको सजा देने की स्थिति में आता हूँ, अर्थात मैं तुमको निर्णय करने के लिए जज बनता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, कह रहे न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे ऊपर बहुत दोष हैं, बहुत केस हैं। यू आर ए वर्गेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉइसेंस, जनता के लिए तुम एक सरदर्द हो, यानी जनता के लिए जनता के दुश्मन हो, जनता को सताने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, और तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, यानी मच्छर कहीं टिकट लेता है, लेकिन यहाँ पर हास्य का एक पद लिया गया है, लेखक ने हंसी के लिए लिखा है कि तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और फिर तुम जो काट रहे हो उसका लाइसेंस है तुम्हारे पास क्या? मच्छर से कहता है कभी कि काटने का तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस डिमेनर्स, इसके लिए इन दोषों के लिए और बहुत ही दूसरे दोषों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। लेखक कहता है अब तुम मरने वाले हो। आई स्टक स्विफ्ट, और इतना कहते हुए लेखक ने एक प्रहार किया। लेखक कहता है कि मैंने एक प्रहार कर दिया, लेथल बड़ा प्राणघातक यानी बड़ा खतरनाक प्रहार किया था। बिलो माई राइट हैंड, अपने दाएं हाथ के से, दाएं हाथ से, बाएं हाथ पे बैठा हुआ था, दाएं हाथ से ऐसे उसने प्रहार किया था मच्छर को मारने के लिए। ही डॉग्ड, और वह उचक गया यानी बच गया। द अटैक, इस अटैक को उसने बचा लिया। विथ एन इंसोलेंट इजी, बड़े आसानी से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और इससे मुझे मेरा अपमान हो गया, यानी लेखक ने समझा कि मैंने मच्छर को मार नहीं पाया, इससे उसको अपना अपमान समझ में आया। माई पर्सनल वैनिटी वाज एरोस, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, अब फिर इसके बाद मैंने हाथ से अपने पेपर से उसके पीछे पड़ गया मारने के लिए। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला। एंड परसुएड हिम, उसका पीछा किया। अराउंड द लैंप, लैंप के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टिक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बड़ी चापलूसी अपनाई, बिल्ली जैसी चापलूसी अपनाई। बैटिंग टिल ही हैड डिलाइटेड, जैसे बिल्ली होती है थोड़ा सा बैठी रहे और कि चूहा निकले और दबोच ले, ऐसे ही उसने चुपचाप बैठी रहे, और जैसे ही वो पास आए उस पर हमला कर दे। वेटिंग टिल ही हैड डिलाइटेड,
जब तक मच्छर नीचे न उतरे जब तक इंतजार करते रहे। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, और जैसे ही उसकी पहुंच में आए प्राणघातक हमला कर दे वो। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, बड़ी तेजी से उसके लिए मारने के लिए झपट पड़े। तो इस प्रकार से ये आज हमने दो पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया। नेक्स्ट कल देखेंगे, तब तक आप घर में पढ़िए और सुरक्षित रहिए। बी सेफ। थैंक यू।